दिल से फिर वो दिल काम कराता है हाथ से, फिर वो दिल काम कराता है आंख से। आज फलां टॉकीज में फिल्म देखना चाह रहा है, फलां गाना सुनना चाह रहा है, दिल फलां गाना सुनना चाह रहा है। दिल बोलता है, दिल को बनाओ, दिल बनता है अल्लाह की फिल्म से। डॉक्टरों को बोलते हैं कि देखो आपकी हेल्थ अच्छी रहती, सुबह सुबह वॉक करने से, रोजाना ऐसे खाने से, दूध पीने से, रात में जल सोने से, और आप बीमार हो गए आप ज्यादा भोज खाने से, रात में ज्यादा जागने से, आप बीमार हो गए दूध पीने से, आप बीमार हो गए गुटखा खाने से, आप पीना छोड़ दो अपना आपकी कितने फेफड़े काम करना छोड़ देंगे, लीवर खराब होगा। सेहत अच्छी होने की चीजें भी बता रहा है डॉक्टर, खराब होने की चीजें भी बता रहा है। इसी तरीके से हमारे इलाज करते हैं, उन्होंने भी बताया है असल दिल है, असल रूह है। ये जिस्म तो खून गंदे खून से बना हुआ, नापाक खतरे से बना हुआ है, असल रूह है, असल दिल है। हम जितना अपने जिस्म की फिक्र कर रहे उससे ज्यादा रूह की फिक्र कर रहे, हम जितना ज्यादा हमें जाहिर को साफ सुथरा बनाने की फिक्र कर रहे उससे ज्यादा दिल को बनाने की फिक्र कर रहे। दिल सख्त होता है तो आदमी होने की तरफ अपनी होती है, और दिल सख्त कैसा होता है, बच्चा सेहतमंद कैसा होता है। डॉक्टर साहब हमारा बच्चा दुबला पतला है, डॉक्टर साहब ये सेहतमंद कैसा होगा, फलां पाउडर दूध में डाल के खिला। तो हमारा दिल सख्त क्यों हुआ, कैसा हुआ हमारा दिल जो सख्त हुआ है, फजूल बातें करने से हदीस से ताकिया। दिल जो सख्त होता है, दिल में जो हमारी अच्छी बातें नहीं उतरती है, पत्थर पर पानी गिरता है तो वह अंदर नहीं जाता, बहकर गिर जाता है। तो दिल जब सख्त होता है, नेकी करने का शौक पैदा नहीं करती, बात कर पाए मंजिल के जब गले में बैठ के कर पाए, होटलों में बैठ के कर पाए, फजूल बातें। आदमी फजूल बातें करने से बेहतर है खामोशी अख्तियार करे, खामोश रहे, फजूल बातें ना करे। और कामुन बैठने से बेहतर यह है कि अच्छी बातें करें या अल्लाह का जिक्र करें। हमारे मशाइखीन तो फरमाया है कि ये जो सांस होती है जो बगैर जिक्र के गुजर जाती है वो सांस भी काफी रहे, तो वो जिक्र करते हैं सांस से, कैसा करते हैं, ये जो सांस आती है कौन सा शुक्र हो रहा है, सांस से सांस के यहाँ लगाट लिए जैसा देख रहा है, सांस से जिक्र हो रहा है, स्पष्ट कराते पास पास कर इसकी जो जिक्र हो रहा है सांस से। मैंने बताया कि अल्लाह हो सांस से जिक्र हो रहा है, तो जो सांस बगैर जिक्र के गुजर जाए वो गफलत में काफी रहे, वो सांस जिक्र। ज्यादा बातें करने से फिर क्या होता है, क्या होता है बोलो, सख्त होता है ज्यादा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादा बातें करने से गुनाह भूल चूक हो जाती है, किसी की दिलासारी हो जाती है, झूठ भी नहीं कर सकता, गीबत भी हो सकती, तो क्या करते थे, अपने मुंह में अंदर डालते थे ताकि फजूल बातें ना हो। आज जो आदमी ज्यादा बातें करता है उनको सही कहते, छाना कहते, बात क्या बातें करता है, हाँ ज्यादा बात दिल ज्यादा बातें करते हैं सख्त होता है। दूसरा दिल जो सख्त होता है हमारा, जो नेकियों की तरफ शौक नहीं होता, ज्यादा हंसने से किससे होता है, ज्यादा हंसने से, ज्यादा हंसने वाले का एतबार भी नहीं करते कौन लोग, ज्यादा मजाक करने वालों का एतबार नहीं होता, ज्यादा हंसने वाले की अहमियत नहीं होती, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, ज्यादा हंसने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। तो दिल सख्त होने की कितनी चीजें, दो कौन कौन सी थी,